जय हिंद दोस्तों। दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इंडियन आर्मी सोल्जर जीडी वुमेन मिलिट्री पुलिस भर्ती 2021 ऑनलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दो कि मैंने ऑलरेडी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है जो कि 11 मिनट, और ये 11 मिनट की इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने आपके जो भी डाउट है इस वैकेंसी या फिर इस भर्ती को लेकर के वो सभी अच्छे से क्लियर किए हैं। इसलिए आप एक बार अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा ताकि आपके सभी डाउट क्लियर हो जाए। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए क्या करना है मैं आपको हमारी वेबसाइट jobsgyan.in का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। आपको लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जानकारी आप वीडियो के अंदर वाच करोगे, सेम जानकारी आप यहां पर लिखित यानी कि रिटन में चेक कर सकते हो। चेक करने के बाद आपको नीचे आना है, और नीचे आकर के यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है जो कि एक ऑफिशियल वे है इसमें अप्लाई करने का। तो यहां पर सबसे पहले आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहां पर जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है उस स्टेट के अंदर वो डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। तहसील आपकी जो भी है वो यहां से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहां पर जो आपकी हाइट है वो हाइट आपको यहां से चूज करनी होगी। फिर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहां से सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए हम यहां से एक DOB सिलेक्ट कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको अपनी क्वालिफिकेशन सिलेक्ट करनी है। इसमें बेसिकली अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है, कम से कम हाईएस्ट चाहे आपके पास जो भी है, बट एज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, यानी कि एज आपकी जो एज लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करनी चाहिए। तो यहां से मैट्रिक ही सिलेक्ट कर लेते हैं। जेंडर, तो इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, इसलिए यहां से फीमेल सिलेक्ट कर लीजिए। आप जो आपकी टेंथ है वो कर रहे हो या फिर कर चुके हो, तो यहां से हम पास्ट सिलेक्ट कर लेते हैं। मैरिटल स्टेटस, तो यहां से हम अनमैरिड सिलेक्ट करते हैं, और नीचे आपको यहां पर नो कर देना है। इसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहां पर नीचे देखोगे वुमेन मिलिट्री पुलिस की वैकेंसी यहां पर अभी एक्टिव है, जिसमें कि आप लोग 6 जून से लेकर के जो आप फॉर्म भर पाएंगे वो 20 जुलाई 2021 तक भर पाएंगे। तो यहां पर अब आपको क्या करना है, आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। मैं आपको अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आगे का जो प्रोसेस है वो बताने से पहले ये बता दूं कि अगर आप चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक करते हो और यहां पर नीचे कुछ भी नहीं आता, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपकी एज के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो चलिए हम यहां पर अप्लाई के ऊपर क्लिक करते हैं। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहां पर आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। ये इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं, आप चाहे तो उनको रीड कर सकते हैं, नहीं तो आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां से जो भी आपकी स्टेट है वो स्टेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपके पास आधार नंबर है या फिर आपका UIDAI एनरोलमेंट नंबर है, जो भी आपके पास है वो यहाँ पर आपको वही सिलेक्ट करके एंटर कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपना नेम एंटर करना है, और ये नेम आपका 10th की मार्कशीट के अनुसार, साथ ही सेम नाम आपका आपके आधार कार्ड के अंदर भी होना चाहिए। यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, नीचे आपको अपनी माताजी का नेम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी DOB सिलेक्ट कर लेनी है जो कि आपकी आपके जो आधार कार्ड है और जो आपकी 10th की मार्कशीट है सेम होनी चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपनी email ID एंटर करनी है। इसको एंटर करने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर कर दीजिए जो कि वैलिड होना चाहिए। email ID भी आपकी वैलिड होनी चाहिए क्योंकि उसके ऊपर एक OTP जाएगा, जब तक वो OTP आप कन्फर्म नहीं करेंगे तब तक आप फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो यहाँ पर जितनी भी जानकारी आपने भरी है इन सभी को अच्छे से चेक कर लीजिएगा क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं दिया जाएगा। और श्योर होकर के आपको नीचे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो आपकी email ID है उसके ऊपर एक OTP गया होगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के रूप में भर रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर एक टेम्परेरी email ID का इस्तेमाल किया है, और आप देखोगे कि आपकी ईमेल के ऊपर ज्वाइन इंडियन आर्मी की तरफ से एक ईमेल आई होगी। आपको उस ईमेल के अंदर यहाँ पर एक OTP देखने को मिला होगा। ये OTP आपको यहाँ पर एंटर करना है, और एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जानकारी कुछ और फिलअप करनी है, जैसे कि यहाँ पर जो आपका जेंडर है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से इसको फीमेल कर लेते हैं क्योंकि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आपके सामने मैरिटल स्टेटस जो कि आपको यहाँ पर
अनमैरिड या फिर जो भी है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आती है आपकी हाइट, जो भी आपकी हाइट है वो हाइट आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद नीचे यहाँ पर आती है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो इसमें 10वीं कम से कम मांगी है तो आपको 10 सेलेक्ट कर लेना है, या फिर आप हाईएस्ट जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो सिलेक्ट कर सकते हो, उसका स्टेटस चूज कर लीजिए। जो आपका मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th का बोर्ड है वो क्या है वो आपको सिलेक्ट करना है, अगर इनमें से कोई है तो वो सिलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हो। स्टेट बोर्ड से मतलब है यूपी बोर्ड का, जो मेन बोर्ड होता है वो यूपी बोर्ड ही होता है, सॉरी उत्तर प्रदेश का। एंड अगर अदर है तो आप अदर्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अदर्स को छोड़ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर नीचे जो आपकी स्टेट है वो सिलेक्ट करनी है, क्योंकि हमने स्टेट बोर्ड सेलेक्ट किया है। फिर आता है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपकी 10वीं है जिसका सर्टिफिकेट नंबर है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। अगर आपकी मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है तो आप यहाँ पर 10th का रोल नंबर भी भर सकते हैं, बट यूपी बोर्ड की जो मार्कशीट होती है उसमें सर्टिफिकेट नंबर होता है वही आपको यहाँ पर डाल देना है। नीचे आपको यहाँ पर नो ही रहने देना है। इसके बाद आपको इस तरफ आना है, यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी आपको देखने को मिल जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है, मैं सहारनपुर से हूँ तो इसलिए मैं यहाँ से सहारनपुर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तहसील आपकी जो भी है वो तहसील आपको यहां पर अपनी सेलेक्ट करनी होगी। यहां पर बोला जा रहा है कि यू कैन ओनली सेलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट तहसील, तो यहां पर चलिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड आपको यहां पर अब पासवर्ड की जानकारी फिलअप करनी है, आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि कम से कम 8 अंकों का तो होना ही चाहिए, और जिसमें कि इंग्लिश का स्मॉल वर्ड, कैपिटल वर्ड एंड एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मान लीजिए आपका नाम है नेहा, तो आप यहाँ पर एन कैपिटल कर दीजिए, इसके बाद ई एच ए लिख करके आपको एट द रेट या फिर डॉलर का जो चिन्ह होता है उसका इस्तेमाल कीजिए, और उसके बाद में कोई भी डिजिट 2 3 4 5 कुछ भी जो आप ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दीजिए, आपका पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो भी पासवर्ड आपने क्रिएट किया उसको दोबारा डाल करके यहाँ पर कन्फर्म कर दीजिए, एंड यहाँ पर जो कैप्चा कोड है कैप्चा कोड फिलअप कर दीजिए। अब इसके बाद जो भी जानकारी आपने यहाँ पर अभी तक भरी है को अच्छे से चेक करके नीचे सेव के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर आपके सामने एलिजिबिलिटी का मेन पेज आ जाएगा, आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है और यहां पर अप्लाई के ऊपर फिर से क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्ट्रक्शंस यहां पर दिए जा रहे हैं, आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब यहां पर आपके सामने पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जहां पर आपको पहले आपका जो भी रिलीजन है वो यहां से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहां पर जो आपकी क्लास है वो आपको चूज कर लेनी है, अगर आप इनमें से किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं वो यहां से आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहां पर दोस्तों मैंने रैंडम फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर दिया है, इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी सेव हो जाएगी और आपके सामने यहाँ पर एड्रेस की जानकारी आ चुकी है, तो जो भी आपका हाउस नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए, अगर नहीं भी है हाउस नंबर तो आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपना जो भी एड्रेस है वो आपकी आईडी के अकॉर्डिंग फिलअप कर देना है, आपका गाँव कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिख देना है, सिटी टाउन का नाम आपका क्या है वो यहाँ पर आपको लिख देना है। चलिए हम इसको एंटर कर देते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर जो पिन कोड है आपके पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का वो एंटर करना है, पुलिस स्टेशन आपके पास का कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिखना है, पोस्ट ऑफिस आपके पास का कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिखना है, टेलीग्राम अगर ऑफिस है कोई तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इस तरफ है सेम एज परमानेंट एड्रेस, जो आपने इस तरफ भरा ये आपका परमानेंट है, और इस तरफ आपने भरा जो कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रजेंट एड्रेस, तो अगर आपका प्रजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए, आपको दोबारा इसको भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर अलग अलग है तो अलग से भर दीजिए और इसको अनटिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद कैटेगरी की जानकारी आपके सामने आ रही है, जहाँ पर आपसे जो जनरल रैली ये पूछा है, तो बेसिकली ये तो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, बट स्पोर्ट के बारे में पूछा कि आप स्पोर्ट से रिलेटेड हो, अगर हो तो यस कर दीजिए, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते हो तो आपको स्पोर्ट्स लेवल सेलेक्ट करना होगा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल, इंटरनेशनल लेवल, नेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी, जो भी है वो आपको सेलेक्ट करना होगा। स्पोर्ट्स पोजिशन आपकी क्या रही थी उस लेवल पर वो आपको बताना होगा, तो हम यहाँ से स्पोर्ट्स से रिलेटेड नहीं है इसलिए नो कर देते हैं। ये जानकारी इसलिए बताई ताकि कुछ जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड कैंडिडेट है वो भी इस जानकारी को अच्छे से भर सके। एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो यस कर दीजिए, यस करने पर यहाँ पर आपसे पूछा कि आपके पास कौन सा सर्टिफिकेट है, तो जो भी सर्टिफिकेट है वही आप यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा, एंड देन आपको नीचे सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब ये जानकारी भी आपकी सेव हो चुकी है। इसके बाद एजुकेशन की डिटेल आ चुकी है, तो कोर्स यहाँ पर आपको 10th सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है, ईयर ऑफ पासिंग आपने कौन से ईयर के अंदर पास की थी वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों रोल नंबर आपका 10th का क्या था वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, और सर्टिफिकेट नंबर जो आपका था मैंने जिसके बारे में बात की थी वो आपको यहाँ पर लिख देना है। अगर आपका 10th की मार्कशीट के ऊपर सर्टिफिकेट नंबर नहीं मिल रहा है तो आप फिर से जो आपका मार्क्स रोल नंबर है वही यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे क्या करना है आपको ऐड के ऊपर क्लिक करना है।
ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आपने कोई हायर क्वालिफिकेशन भी दी है जैसे कि 12th, तो आप इस 12th की जानकारी भी सेम तरीके से ऐड कर सकते हैं, बट हमने 10th की जानकारी ही दी है। अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अपने नंबर के बारे में जानकारी देनी है। जैसे कि इंग्लिश यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंग्लिश में आपको कितने नंबर आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है, और कितने में से आए थे वो आपको यहाँ पर लिखना है, और फिर आपको ऐड न्यू रो के ऊपर क्लिक करना है। ये दो यहाँ पर ऐड हो जाएगी। सेम तरीके से आपको हिंदी, मैथ, जो आपका साइंस सब्जेक्ट है, सोशल साइंस है, और जो अदर सब्जेक्ट है वो यहाँ पर ऐड कर देने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी सब्जेक्ट के नंबर ऐड कर दिए हैं। अब इनको ऐड करने के बाद यहाँ पर जानकारी को चेक करके आपको नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, जहाँ पर आपके द्वारा भरी गई सभी जानकारी को आप कन्फर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत है तो आप यहाँ पर अभी भी इसको बैक में जाकर के एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ये जो पॉइंट्स दिए जा रहे हैं ये आपको रीड कर लेने हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि रोल नंबर विल बी जनरेटेड आफ्टर द क्लोजिंग, यानी कि जब आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद आपका रोल नंबर जनरेट किया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड आफ्टर क्लोजिंग, यानी कि जब आपके रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे उसके बाद ही आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का जो PDF है वो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। कैंडिडेट कैन एडिट कैंसिल द एप्लीकेशन टिल द क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी कि क्लोजिंग डेट से पहले आप अपने फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो और कैंसिल भी कर सकते हो। नो एडिटिंग कैन बी डन आफ्टर, यानी कि जब आपकी लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद आप इसमें कोई भी एडिट या इसको कैंसिल नहीं कर पाएंगे। द चेंजेस इन एडिट मोड विल टेक इफेक्ट ओनली आफ्टर, यानी कि जो आपके आप इसमें चेंजेस करोगे वो तभी एक्टिव माने जाएंगे जब आप इसको चेंज करने के बाद या एडिट करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे कि हमने जानकारी चेक कर ली, अब हम यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहाँ से आपको ओके करना है और आप यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन के ऊपर आकर के यहाँ पर अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हो। डाउनलोड आप इसको जब आपके लास्ट डेट निकल जाएगी उसके बाद ही कर पाएंगे, और फिर आप यहाँ पर जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर जो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट किया था उसका इस्तेमाल करके आप यहाँ पर एडमिट कार्ड के कॉलम पर आकर के अपना एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आप शॉर्टलिस्ट हुए हो एग्जाम देने के लिए तो तभी यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड की जानकारी देखने को मिल पाएंगी। तो ये थी दोस्तों आपकी इंडियन आर्मी वुमेन मिलिट्री पुलिस सोल्जर GD ऑनलाइन फॉर्म 2021 के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।